हेलो एवरीबॉडी दोस्तों, हरियाणा ग्रुप डी की भर्ती रद्द हो गई है। एचएससी ग्रुप डी जो भर्ती थी जिसमें 978 वैकेंसी थी, वो भर्ती रद्द हो गई है। और इसकी वीडियो मैंने अभी कुछ समय पहले बनाई थी, तो वजह आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि मेन कारण क्या है जिसकी वजह से भर्ती कैंसिल करनी पड़ी है। तो दोस्तों, यदि आप इंटरेस्टेड हैं जानने में तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन क्या करता है, जो पुराने पेपर आते हैं ना उनमें से ही क्वेश्चन उठाता है, ठीक है। और यदि आप पुराने पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के 80 पेपर फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने दे रखे हैं सभी पेपर, ठीक है। आप एक एक करके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। 80 पेपर मैंने यहाँ पे डाल दी हैं। और यदि आप एसएससी के पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं 46 पेपर एक पीडीएफ में, तो यहाँ पर क्लिक करके आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों, ठीक है। ये चेकआउट कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हरियाणा ग्रुप डी की भर्ती कैंसिल होने के बारे में क्या वजह रही है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बताया था सबसे पहले अपने चैनल पर वो न्यूज़ डाली गई थी हमने, एडवर्टाइजमेंट दोस्तों 4/2019 कैटेगरी नंबर एक पद थे 978, इसको कैंसिल कर दिया गया है। तो वजह ये है दोस्तों कि पहले जो चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा ने डिमांड मांगी थी, वो कुछ डिपार्टमेंटों ने ही डिटेल भेजी थी आगे एचएससी के पास कि हमारे पास इतनी सीट खाली है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने उन्हें 978 पदों पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया, ठीक है। अब इलेक्शन हो गए, अब चीफ सेक्रेटरी ने बार बार फिर से प्रेशर दिया सभी डिपार्टमेंटों के, सभी डिपार्टमेंट दे, क्योंकि पीछे सभी डिपार्टमेंट ने डिटेल नहीं दी थी, ठीक है। और अब चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा ने सभी डिपार्टमेंटों के साथ मीटिंग की, उन पर प्रेशर डाला कि आप सभी डिटेल प्रोवाइड करें जल्दी से जल्दी। उसके बाद में 4-5 हज़ार वैकेंसी निकल के बाहर आई, ठीक है। अब हरियाणा सरकार ने सोचा कि समय कम है, दो भर्ती हम करवा नहीं सकते अलग अलग से, इसलिए उन्होंने पुरानी भर्ती कैंसिल करके उसी में जो वैकेंसी है वो इनक्रीज़ कर देंगे और दोबारा से नोटिफिकेशन जारी करके उनके ऑनलाइन फार्म मांग लेंगे। जो पुराने कैंडिडेट हैं वे उनको दोबारा फार्म दोबारा भरना है आपको। लेकिन एक तो आपने यदि पीछे वाला फार्म अप्लाई किया था 4/2019 वाला, अब आपकी एज चाहे कितनी भी हो गई हो आप फार्म अप्लाई कर सकते हैं, सीधी सी बात आपको यहाँ पे ये है, ठीक है। उसके बाद में जिन्होंने पहले अप्लाई किया था उनकी फ़ीस में छूट मिल जाएगी, अब उनको फ़ीस दोबारा नहीं भरनी है। उन्हें एक ऑप्शन आता फार्म भरते समय कि क्या आप नहीं है फारिश नोटिफिकेशन के लिए पहले भी अप्लाई किया था, तो यदि आप वेस्ट करोगे तो आपकी जो फ़ीस है वो उसमें छूट मिल जाएगी आपको, ठीक है। वजह यह है कि पहले कुछ डिपार्टमेंटों ने ही डिटेल भेजी थी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बाद, हरियाणा स्टाफ एचएससी ने वही नोटिफिकेशन जारी कर दिया उन्हीं वैकेंसियों के लिए, और बाद में चीफ सेक्रेटरी ने दोबारा मीटिंग की, फिर और वैकेंसी बाहर निकल के आई। तो अब दो के बजाय एक भर्ती करना सही समझते हैं सरकार, इसलिए उन्होंने पुराने भर्ती कैंसिल कर दोबारा से इस नोटिफिकेशन को जारी कर दिया जाएगा। अच्छी खबर ये है कि दोबारा भर्ती आएगी, 100% आएगी, कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। और दोस्तों, अब रही बात हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पुराने पेपरों की जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से एचएससी के 80 पेपर, एसएससी के 40 पेपर आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ये वीडियो आपने यहाँ तक देखी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी क्या राय है इस कैंसिल होने के बारे में, आप कमेंट करके जरूर बताइए। ये वीडियो आपने यहाँ तक देखी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान की कृपा, आप सभी का दिन शुभ रहे।